फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हबी एंड मी। और आज मैं और एक माइक्रोवेव रेसिपी वीडियो के साथ आ गई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़। जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ हम सभी को बहुत पसंद होता है। हम स्पेशली बच्चों को, हम लोग बाहर जाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई करते हैं। अगर सेम फ्रेंच फ्राइज़ आप घर पर बना लो तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टीज़, टुगेदर गैदरिंग्स, सबका मज़ा दुगना हो जाएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़, वो भी माइक्रोवेव में। पहले हम लोग अभी पोटैटो को कट कर लेंगे। पोटैटो को हम पहले ऐसे करके हमको लंबे लंबे इसके स्लाइसेस बनाने होंगे। थोड़ा थिक रखिएगा, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ में होता है। मैंने पोटैटोज़ को ऐसे कट करके लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके भी धो लिया है। अभी हमको इसका पानी कम्प्लीटली सोक करना होगा, तो उसके लिए एक टिश्यू पेपर ले लेंगे। आप टॉवल भी, कोई किचन टॉवल साफ़ जो हो वो यूज़ कर सकते हो। तो हमें इसको कम्प्लीटली सोक करना है ताकि जो पानी है वो कम्प्लीटली सोक हो जाए। तो अभी हमने सोक कर लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, जितना पोटैटो का क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हो। और अभी इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं ये रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, एक चम्मच। आपके पास ऑलिव ऑयल होगा तो आप वो भी डाल सकते हो। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से सारे जो स्लाइसेस है पूरा कोट हो जाना चाहिए। तो अभी ये रेडी है, अभी हम इसको माइक्रोवेव में डालेंगे। अभी हमने ये बेकिंग ट्रे ले लिया है और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। तो पूरे ट्रे में हम लोग थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके फिर एक एक करके हम ये जो स्लाइसेस है पोटैटो के वो डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये सारे स्लाइसेस उनमें थोड़ा स्पेस हो, एक दूसरे से चिपके नहीं ज़्यादा। अभी हम इसको अंदर डालेंगे। इसको मैं कन्वेक्शन मोड यूज़ करके बेक करने वाली हूँ। तो पहले हम ये लोअर जो रैक है वो अंदर डाल लेंगे और उसके ऊपर हम लोग ये रख देंगे। मैं कन्वेक्शन मोड यूज़ करूँगी तो पहले मैं कन्वेक्शन सिलेक्ट करूँगी और टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री, और मैं 10 मिनट्स के लिए इसको सेट करूंगी। अभी 5 मिनट्स हो गया है। अभी मैं इसको निकाल के ऊपर से थोड़ा ऑयल ब्रश कर दूंगी।
बाकी 5 मिनट इसको कुक करने के लिए मैं फिर से अंदर डाल दूंगी। सो 10 मिनट्स हो चुका है, अभी हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। सो आवर फ्रेंच फ्राइज इज रेडी, अभी हम इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। सो फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है, बहुत चटपटा सा स्पाइसी सा है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रे कर दोगे, स्प्रिंकल कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कम ऑयल में फ्रेंच फ्राइज घर पे इंजॉय करना, वो भी अपने माइक्रोवेव में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मेरे अगले वीडियो तक मैं बाय बाय बोलती हूँ।